नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर जो हमने कंसेप्ट पढ़े उसके ऊपर भैया उन कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ तक हो गए थे क्वेश्चन, आगे देखो। इन द फिगर एल इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड एम से लेके एल इज द परपेंडिकुलर टू एल एन। ओके, ये नब्बे डिग्री का कौन हो गया। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एल एन, इसका एरिया 36 है, देन द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया बताना है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 × 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड्स होता है भाई। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड्स कौन कौन सी हैं, ये है और ये है। ये क्या होंगी, इस सर्कल की रेडियस है भाई आर आर, तो 1/2 × r, तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर बाई टू। ये एरिया हो गया भैया इसका, क्या नाम है, ट्रायंगल का। हो गया कि नहीं हो गया, हाँ जी हो गया। तो इसने बोला है ट्रायंगल का एरिया क्या है भैया 36, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 36 बराबर है आर स्क्वेयर बाई टू। 36 दूनी कितना होता है 72, तो 72 आर स्क्वेयर। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, आर की वैल्यू तो आर स्क्वेयर है ना, ये आर स्क्वेयर 72 है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर, और आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या है भाई 72। तो इस सर्कल का एरिया क्या आ गया पाई 72। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन, हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ए बी सी एट बी पे 90 डिग्री है। लेट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का ये मिड पॉइंट है डी। इफ बी डी, बी से लेके डी ये है 6.5 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द ए बी स्क्वेयर प्लस में बी सी स्क्वेयर किसके इक्वल होगी। अरे ए बी और ए बी सी स्क्वेयर क्या है भैया, ये पाइथागोरस पर में लगा रखी है। ए बी स्क्वेयर प्लस में ए सी स्क्वेयर किसके बराबर, ए सी है ना, बी सी है, ये बी सी स्क्वेयर किसके बराबर होगी भैया, ए सी के स्क्वेयर की होगी कि नहीं होगी, हाँ बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे बी डी हमें कितनी गिवन है 65, तो ये आर है, ये आर है, तो ये भी आर होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। ये भैया इन क्या बोलते हैं इसको, सर्कम रेडियस तो होती है ये, तो ये आर है तो ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, तो ये आर है तो ये भी आर होगी। तो ये भैया ये ए सी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 6.5 + 6.5 कितना हो जाएगा, ये 6.5 + 6.5 13 हो जाएगा भाई। तो ए सी की वैल्यू आ गई 13 का स्क्वेयर। तो इसने पूछा है ए बी प्लस में बी सी स्क्वेयर किसके इक्वल होगी, 13 का स्क्वेयर क्या होता है 169। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी ऑप्शन, हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा भाई। बी डी कुछ नहीं होती, ये आर आर यार, अगर ये आर आर से समझ में ना आए ना, तो बी डी को आप ऐसे कह लो, बी डी की वैल्यू होती स्टैंडर्ड ये एच बाई टू राइट एंगल ट्रायंगल में। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, जब ये डी पॉइंट है मिड पॉइंट और ये बी डी है, तो ये होती है हमेशा एच बाई टू। एच बोले तो ये हाइपोटेनस का आधा, अगर ये आर आर का समझ में नहीं आया। वैसे मैंने ये बता दिया है आपको आर आर का फंडा, लेकिन ना आया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इस तरह से भी सीख सकते हो। उसके बाद है ये क्वेश्चन, लेट ए बी सी ए राइट एंगल ट्रायंगल है विद हाइपोटेनस बी सी, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, विद हाइपोटेनस बी सी, बी सी हाइपोटेनस है, तो ए हमारा 90 डिग्री बनाएगा। बी सी की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। इफ ए डी, ये क्या ए डी है, ए पी, ए पी है, ए पी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तो ये परपेंडिकुलर है भैया बी सी पे, ये पी पॉइंट है, देन द मैक्सिमम, ये 20 है ना पूरी, तो ये 10 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी, देन द, ये पता चल गई ना आपने, ये आर है, ये आर है, ये भी आर है। अगर आपको ए वैसे आर आर से याद नहीं, तो ए पी होती है इस हाइपोटेनस का आधा, एच बाई टू, एच क्या है 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, ये 10 आ जाएगी। देन द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ए पी इन सेंटीमीटर स्क्वेयर, 10 निकाल तो दिया यार, क्या बताना क्या है इसमें, मैक्सिमम लेंथ क्या पूछ रहा है ये तो बता दी अपने, ए पी क्या आएगी 10 आएगी, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगी। जो आर होगी या ये जो ए पी होगी ये कितनी होगी भाई 10, अगर एरिया पूछता ना तो एरिया भी आप बता सकते हो, 1/2 × b × h, तो 1/2 बेस कितना होगा भैया इसका, तो बेस इसमें हम निकाल सकते हैं। तो भाई मैक्सिमम की जब बात करता है ना, तो मैक्सिमम में सीधी सी बात है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, और फिर यहाँ पे कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ क्या होगी, तो अरे मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ सीधी सी बात है भाई, ये हाइपोटेनस है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये आर आर आर, मैंने ये आर आर बता दिया आपको,
इस पॉइंट से रख के आप सेमी सर्कल खींचोगे, सर्कल ड्रॉ करोगे, तो मैक्सिमम हाइट एक सर्कल के अंदर, एक सेमी सर्कल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो मैक्सिमम हाइट उसकी कब आती है भैया? मैक्सिमम हाइट उसकी आती है जो आर है वही उसकी मैक्सिमम हाइट होगी भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पे बना दिया। तो ये तो जो है ये सेंटर पॉइंट है, ये आर है, ये आर है, तो ये तो आर नहीं होगी, आर यहाँ से मैक्सिमम हाइट जाएगी, ये मैक्सिमम हाइट होगी। तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है भैया? ये रेडियस ही तो होती है। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया है, आर 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 मैक्सिमम कितनी होगी? 10। और अगर एरिया पूछ लेना तो एरिया भी आप बता सकते हो यहाँ पे, 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो यहाँ पे बेस जो होगा वो ये 20 हो जाएगा, और बेस 20 हो गया और हाइट कितनी है भैया? ये 10 मैक्सिमम, तो हाइट यहाँ पे 10 ही आएगी, और तो क्या है, 2 × 1 = 2, 5 = 10, 100 एरिया आ जाएगा। ये भी आप निकाल सकते हो अगर पूछे तो। फिलहाल आप इस चीज़ को अगर कंसेप्ट कर लोगे ना तो आपको ये सीधा समझ में आ जाता है, वरना खिचड़ी पकाते रहो और कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर हुज साइड आर 4, 7.5, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो 4, 7.5 और 8.5, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे? इसका 2 गुना करो 8, इसका 2 गुना करो कितना हो जाएगा 15, इसका 2 गुना करो 17। तो ये एक ट्रिपलेट ही तो है, इसका हाफ कर रखा है भाई, और तो क्या है, इनका इस ट्रिपलेट का हाफ कर रखा है, हाफ करोगे तो भी तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। तो ये जो है हमें डाटा दे रखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल का दे रखा है, और पूछा क्या है, रेडियस पूछी है भाई, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जिसके साइड्स ये हैं, तो इसके अंदर जो सर्कल है ना उसकी रेडियस पूछी है भाई। तो क्या आप रेडियस नहीं बता सकते? इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर का पी प्लस में बेस प्लस में बेस माइनस में, ये बेस माइनस में हाइपोटेनस अपॉन में 2, परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है 4 प्लस में 7.5 माइनस में 8.5 अपॉन में 2। अब इसको आप काट पीट कर दोगे तो ये आ जाएगा, ये माइनस का है ना, तो यहाँ से 1 आएगा, 3 का आधा कितना हो जाएगा भाई 1.5, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन एयर ट्रायंगल एबीसी एंगल बीएसी एक 90 डिग्री है, तो एंगल बीएसी तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ए ये बी और ये सी, इफ़ बी सी कितनी है 25, बी सी 25 है, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ मीडियन ए डी, ए डी की लेंथ क्या होगी? अरे तो सीधी सी बात है भाई, 25 का आधा कितना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये आर है हाइपोटेनस, ये भी आर, ये भी आर, तो 25 का आधा कितना होता है यार, 24 का आधा कितना होता है 12, तो ये हो जाएगा 12.5, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, सीधा सा था ये, इसकी लेंथ आएगी 12.5। उसके बाद ये क्वेश्चन, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 10, 10.5, 14.5, तो ये भी तो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है, फिर उसमें सरकम राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये आपको ट्रिपलेट याद होगा, तो अरे दुगना कर दो 20, इसका 21 दुगना करोगे, इसका दुगना करोगे तो कितना आएगा 29, ये एक ट्रिपलेट ही होता है, इसका आधा कर रखा है और क्या है वो दे रखा है, तो आधा करोगे तो भी तो इस ट्रिपलेट का वो भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड क्या क्या है, 10, 10.5, 14.5, पूछा क्या है सरकम सर्कल, तो भैया सरकम सर्कल कहाँ से खींचा जाएगा, इस ये मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, यहाँ पे प्रकार रखेंगे, इस वर्टेक्स से होते हुए ये सर्कल जाएगा, तो पूछा क्या है भैया, ये इसकी सरकम रेडियस पूछी है, मतलब ये आर तो ये भी आर, तो सीधी सी बात है ये पूरी 14.5 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 14.5 का आधा कर दो, ये हो जाएगा 7.25, इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे ठीक ठाक। आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच, वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।